नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। आज योगी सेना जिला कार्यालय गढ़वा में भारत सरकार के सड़क सुरक्षा सदस्य एवं योगी सेना झारखंड के संरक्षक रविंद्रनाथ तिवारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि आज तो हम लोग आए थे मुख्यतः अभी जो अजय दुबे जी का जो असामयिक निधन हुआ तो उसका हम लोग श्रद्धांजलि सभा था। दूसरा अभी राजनीतिक दल का चुनाव ये चल रहा है प्रदेश में, तो प्रदेश में स्वाभाविक रूप से अगर चुनाव चल रहा है तो यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस संदर्भ में ही हम लोग मिलने आए तो मेरा अपना मानना है कि हाल का जो यह चुनाव है आज़ादी के बाद से शायद पहली बार यह एक आश्चर्यजनक चुनाव है, इसलिए कि अभी तक जो भी राजनीतिक दल और चुनाव होते थे पिछले उसमें कम से कम विचारधारा के आधार पर दोनों में या अन्य दलों में अंतर दिखता था। यह पहला चुनाव है जो पूरा का पूरा खिचड़ी हो गया। कौन किस दल का आदमी था, किस विचारधारा से था, कौन सा सिंबल लेकर आ गया, कौन किसके तरफ चला गया, ये अजीबोगरीब स्थिति हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब दलीय निष्ठा, प्रतिबद्धता, विचारधारा ये सब गौण हो गए। अब कोई मायने किसी के लिए, किसी दल के लिए रहा नहीं। इसीलिए मेरा भी मानना है कि आम लोगों को अब अपने क्षेत्रीय हितों के अनुकूल अपना प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। दलीय प्रतिबद्धताओं से निकलकर, दलीय प्रतिबद्धताओं से इतर अपने क्षेत्र के हक में, अपने समाज के हक में, अपने लोगों के हक में, अपने परिवार के हक में जो अच्छा प्रत्याशी दिखे उसे ही चुनाव में वोट देना चाहिए, उन्हें ही जिताना चाहिए, प्रतिनिधि बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अपना प्रतिनिधि बनाए, न कि किसी सिंबल किसी दल का प्रतिनिधि बना करके खुद गुलाम बने। तो अगर अपना प्रतिनिधि हो सकता है किसी दल का सिंबल से ही कोई उनका अगर प्रत्याशी है जिस पर भरोसा है उसको जीता है, लेकिन प्राथमिकता अपना क्षेत्रीय विकास ही होना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। शेष मुद्दे तो धीरे धीरे करके सामने आएंगे, लेकिन आज ये स्पष्ट है कि अब कोई भी दल अछूता नहीं रहा, कोई विचारधारा और अपने निष्ठा के प्रति प्रतिबद्ध रहा नहीं। रात भर में, घंटा भर में कोई कहीं बदल करके, कोई झंडा लेकर, कोई मुंडा लेकर के, कोई खछाप लेकर के, कोई कहीं का कहीं पहुंच गया, तो ये बहुत पूरा पूरा खिचड़ी हो गया है। इसलिए इसे साफ करने की जवाबदेही आम जनता के कंधों पर है, और ख़ास कर यहाँ के ही नहीं पूरे प्रांत के आम जनता से ज़्यादा यहाँ के नौजवानों का है, क्योंकि हवा बनाना, माहौल बनाना, परिस्थिति निर्माण करना आम जनता से ज़्यादा युवा वर्ग ही करता है। और ख़ासकर गढ़वा जिले में योगी सेना का बहुत अच्छा सामाजिक काम रहा है, इसलिए योगी सेना के कार्यकर्ताओं पर विशेष जवाबदेही है कि इस पर जागरण करें, आम लोगों को समझाएं, आम लोगों को अपने क्षेत्र के हितों के प्रति जागरूक करें और अपना प्रतिनिधि बनाओ अभियान शुरू करें। मौके पर योगी सेना प्रदेश अध्यक्ष विपुल धर दुबे, पलामू प्रभारी हरिकेश पांडे, जिला अध्यक्ष अमन चौबे, कार्यालय प्रभारी अमित उपाध्याय, प्रवीण तिवारी, जिला प्रवक्ता ऋषि पांडे, मनोज श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। धन्यवाद।